हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग में मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम वही प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मिसिंग नंबर। देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर हमारा यहीं पर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए मिसिंग नंबर हमारा यहीं पर है, मात्र इसे 10 या 15 सेकेंड में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर देखिए हमारा यहीं पर दिया है, ठीक है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे इसमें कि कैसे इसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या जब नीचे दी हुई है, ठीक है, तो हमें इस तरह से ज्ञात करना होगा, ठीक है। देखिए किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मिसिंग नंबर के स्थान पर इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आ जाए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम इसे इस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए हो जाता है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 8 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है दोस्तों, मतलब कि 9 में से 8 घटाएंगे तो एक बचेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 7 दिया है, ठीक है। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, ठीक है, 17 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 7 दिया है। तो इस तरह यह नहीं होगा, ठीक है, तो निचला वाला भी स्टेप इस तरह नहीं होगा, यानी कि इस तरह यह सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं यह कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, पहले इस तरह देखिए जोड़ेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 15 और 5 20 20 हो जाएगा, हाँ यहाँ पर दिया 27, ठीक है, तो यह इस तरह भी सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए आपको हम कैसे सॉल्व होगा अब यही बताएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 9 से 6 में गुणा करेंगे, फिर छ, ठीक है, जितना प्राप्त होगा उससे 5 में गुणा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम गुणा करते हैं, 9 और 6 कितना होता है, 9 6 54, ठीक है, 54 होता है ना। अगर 54 में हम 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 270, देखिए 270 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 270 आया, ठीक है। तो अब इसी तरह हम इसे भी ज्ञात करेंगे, 8 में हम 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। अब 56 में हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224, ठीक है, कितना आ जाएगा, 224, ठीक है। देखिए 224 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो अब हम इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, 7 * 8 * 336, ठीक है, 336 होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अगर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है, बराबर 336 * 7 * 8, ठीक है, 7 * 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अब 7 और 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 * 7 = 56, ठीक है, 56 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 56 हो जाएगा। अगर हम 56 में 336 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 56 में 336 से भाग देंगे तो 6 बार, ठीक है, आप भाग करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हमारा यहीं पर है, ठीक है, मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम मिसिंग नंबर का ज्ञात करते हैं। देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर कैसे ज्ञात करना हमें, देखिए क्या क्या है, 30 दिया है, ठीक है, 30 में क्या करेंगे, 30 + 9 तो क्या हो जाएगा, देखिए जब हम 30 + 9 किए तो क्या हो गया, 39, ठीक है, यानी कि यह संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। जब हम इनको और इनको ऐड किए तो 39 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों, 9 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या ऐड करें कि 27 हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसकी ज्ञात करते हैं। देखिए क्या करें, क्वेश्चन मार्क +9 = 27, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बराबर 27, ठीक है, 9 को पश्चांतर कर लेंगे तो प्लस के स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है, -9, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आ जाएगा, 18, ठीक है। तो आने की मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 18, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 18, ठीक है दोस्तों, क्या भरा जाएगा, 18। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लुप्त संख्या हमारी यहीं पर है, लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर, ठीक है, तो हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम मिसिंग नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए पहले क्या दिया है, 20, ठीक है, नीचे 20 10 1280, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे साल भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 40, ठीक है, यानी कि 20 दुना 40, 40 दुना 80, ठीक है, यहाँ पर 80 तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक 10 दिया है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 5 दिया है, ठीक है, यानी कि यह स्टेप भी गलत है। तो हम यह अब आपको बताते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, 5 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से हम, छोटी संख्या हम 2 से गुणा करते जाएंगे, हमारा उत्तर अपने आप चला आएगा, ठीक है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, देखिए 5 में 2 से गुणा किए तो क्या होगा, 10, ठीक है। अब 10 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। देखिए दोस्तों, 5 से गुणा किए 10 प्राप्त हुआ, 10 से गुणा किए तो 20 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब 20 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 40, देखिए दोस्तों 40 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब 40 में हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 80, देखिए दोस्तों 80 प्राप्त होगा, ठीक है। अगर हम 80 में अब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 में 2 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है, 160 आ गया, ठीक है। अब हम 160 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 में 2 से गुणा करेंगे तो 320 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 320, ठीक है। अगर अब हम 320, इसमें 320 में हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दोस्तों 640 आएगा, कितना आ जाएगा, 640, ठीक है। तो कितना आने की 640 आ गया। अब 640 में हम 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1280 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, 1280, यानी कि ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, 640, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 640, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं, आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।